हर दिन का अपना इतिहास होता है। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पाएंगे कि कितनी ही कहानियां इसमें दफन है। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। 16 फरवरी साल 2005 को आज ही के दिन क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। बता दें कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति को देखते हुए 141 देशों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के जरिए वायुमंडल को गर्म करने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई थी। इतिहास के दूसरे अंश में बात हिंदी सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के की होगी। आज दादा साहब फाल्के की पुण्यतिथि है। बता दें कि दादा साहब फाल्के ने भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म बनाई थी। इस फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र था, जो कि एक मूक फिल्म थी। दादा साहब फाल्के के नाम पर ही सीने जगत का प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहब फाल्के दिया जाता है। इतिहास के तीसरे अंश में बात किंग तुत की करेंगे। 16 फरवरी साल 1922 ये वो दिन था जब मिस्र के राजा तूतेन खामेन की कब्रगाह का दरवाजा खोला गया था। ब्रिटेन के आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कॉटन ने वैली ऑफ द किंग्स में स्थापित पिरामिड में किंग तुत की रहस्यमय मौत का खुलासा किया था। इसी के बाद मालूम पड़ा था कि किंग तुत 10 साल की उम्र में राजा बने और 19 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई।